15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। इसी मौके पर केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वह इस बार हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी, जिसके तहत लगभग 20 करोड़ घरों की छतों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस अभियान से देशवासियों के बीच राष्ट्र भावना की एक अलग अलग जगेगी। अगर इस अभियान का हिस्सा आप भी बनना चाहते हैं, तो अपने घर के नजदीकी डाकघर से तिरंगा ले लें, या आप चाहें तो ऑनलाइन भी तिरंगा खरीद सकते हैं। सरकार इस अभियान को 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि इस अभियान से ज्यादा लोग जुड़े। केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। पुराने नियमों के मुताबिक सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक झंडा फहरा सकते थे, लेकिन नए नियम के अनुसार अब रात में भी तिरंगा फहराया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने फ्लैग ऑफ कोड इंडिया के नियमों में संशोधन किया है। देश में झंडा फहराना, प्रदर्शन या उपयोग करना, ये भारतीय दंड संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्गत आते हैं। इस कानून में भारत सरकार ने 20 जुलाई को बदलाव किया है, जिसके बाद से रात में भी अब तिरंगा फहराने की आज़ादी मिल गई है। अब कुछ ही दिन बचे हैं, जब हम आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाएंगे, लेकिन जश्न मनाने से पहले कुछ नियम जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप एक गलती से तिरंगे का अपमान कर सकते हैं। झंडे का प्रयोग किसी व्यवसायिक रूप में नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ तिरंगे को किसी व्यक्ति के सलामी देने के लिए नहीं झुका सकते हैं। इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा। अक्सर देशभक्ति की भावना में लोगों को देखा जाता है कि वो अपने कपड़े या घर में प्रयोग करने वाले कपड़े पर तिरंगे की तस्वीर बनाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। वाहन या कारों को झंडे से ढकना गलत है। हमेशा अपने देश के झंडे को किसी भी झंडे से ऊपर नहीं फहरा सकते। आज़ादी से पहले अंग्रेजों की गुलामी के बीच हमने झंडा फहराया था। इतिहासकारों के मुताबिक देश में सबसे पहले 7 अगस्त 1909 को कोलकाता के पारसी बागान में इसे फहराया गया था। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया था और इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। उस वक्त झंडे का रंग लाल, पीला और हरा था। हरे रंग की पट्टी पर फूल था, पीले रंग पर वंदे मातरम लिखा था और लाल रंग पर चांद सूरज बनाया गया था। आजाद भारत के तिरंगे का जन्मदाता पिंगली वेंकयानंद थे। पिंगली वेंकयानंद का जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था। वह पेशे से कृषि वैज्ञानिक थे। आज़ादी के समय वे गांधी जी से जुड़ गए। आज़ादी में इनका अहम योगदान भी रहा है। वर्तमान झंडे को 26 जुलाई 1950 को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। डेक्स रिपोर्ट, अखबारवाला.com।